हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर को मैं फिनिश करने वाली हूँ 5 लेक्चर्स में, तो उन 5 लेक्चर्स में से 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये जो है हमारा, ये है हमारा लेक्चर 4। और लेक्चर 4 में हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, कि लेक्चर 5 में भी इसी की कुछ प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पता है कि अमाइंस का जो होता RnH2, ये फॉर्मूला होता है, प्राइमरी अमाइंस की हम बात कर रहे हैं यहां पर। और नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो होती है लोन पेयर होती है नाइट्रोजन के ऊपर, और जिसकी हमने बेसिसिटी जो है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, वो हम प्रीवियस क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में काफी डिफरेंस होता है, और उनके ऊपर ये लोन पेयर होने की वजह से, ये लोन पेयर क्या करती है, काफी सारे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है और RnH2 को ज्यादा रिएक्टिव बनाती है, मीन्स अमाइंस को ज्यादा रिएक्टिव बनाती है, राइट। और इट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर अमाइंस बहुत सारी रिएक्शंस कैरी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले रिएक्शन देखने वाले हैं अमाइंस की, और वो है रिएक्शन विथ HNO2। HNO2 मतलब होता है नाइट्रस एसिड। अब इसको ध्यान से समझिए बेटा, मैं क्या समझाना चाह रही हूं, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है, जैसे हमें अच्छे से पता है कि अमाइंस को हम कहते हैं प्राइमरी अमाइंस कहते हैं हम इसको। उसके बाद में हम अमाइंस को सेकेंडरी अमाइंस है, ये भी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था। और तीसरा जो हमने देखा था, वो देखा था हमने टर्शियरी अमाइंस का। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आप इन तीनों अमाइंस को केमिकली डिफरेंशिएट किस तरीके से करोगे, तो हम इन तीनों अमाइंस को केमिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रस एसिड। हम नाइट्रस एसिड के हेल्प से इन तीनों अमाइंस को डिफरेंशिएट जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम बात करें प्राइमरी अमाइन की, तो अभी हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ये HNO2 जो होता है हमारा, ये HNO2 एक्चुअल में रिएक्शन किसके साथ में, NaNO2 प्लस HCl के साथ में जब रिएक्शन होती है, इसके साथ जब रिएक्शन होती है तब ये प्रोड्यूस करता है HNO2। जैसे कि अगर हमारे पास है ये प्राइमरी अमाइन RnH2, अब इस RnH2 की रिएक्शन जो है हम करवा रहे हैं HNO2 के साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, HNO2 के साथ में रिएक्शन हो रही है, जब ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, और हमने रिएजेंट कौन से लिए, रिएजेंट भी हम मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया है NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पर ये HNO2 बन जाता है, तो जो नाइट्रस एसिड है, और फिर हम ये रिएक्शन में ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहले इसके ऊपर क्या है, हमारी लोन पेयर है, तो यहाँ पर है प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, एक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है ना, ये जो सॉल्ट जो बन रहा है ये है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, तो हम इसको अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। डाइजो, डाई मतलब 2 हो गया, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, अजो मतलब जो है NN जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, तो ये बन गया है अल्काइल डाइजोनियम आयन है, इसलिए डाइजोनियम क्लोराइड, ये अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। फिर उसकी जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करते हो तब यहाँ पर हमारा बनता है ROH, और साथ में नाइट्रोजन गैस भी रिलीज होती है और HCl भी रिलीज होता है। तो HNO2 जो है प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस के साथ में, किसके साथ में, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस के साथ में, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस के साथ में ये रिएक्शन करता है, और हमें सबसे पहले एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स देता है जो कि काफी अनस्टेबल होता है, जो हम फिर उसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद में हम देखते हैं नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। बेटा ये हमारे जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस जो करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब करते हैं, तब हमारे लिए काफी यूजफुल ये रिएक्शन हो जाती है, थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाने के बाद में हम देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी एरोमेटिक, किसके लिए, प्राइमरी एलिफैटिक
एलिफैटिक अमाइंस के लिए हो गया है। अब जो हम रिएक्शन देखेंगे सेम रिएक्शन वो होगी हमारी प्राइम, यहाँ पर हम देखते हैं एरोमेटिक अमाइंस के लिए, ठीक है। ये प्राइमरी कौन से हो गए, एलिफैटिक हो गए हैं। जो हम दूसरी रिएक्शन देख रहे हैं इसमें हम क्या लेंगे, हम सबसे पहले लेंगे इसमें एनिलीन। एनिलीन में हमें पता है कि एक बेंजीन रिंग होती है और यहाँ पर NNH2 होता है। जब ये रिएक्ट करता है NaNO2 के साथ में और HCl के साथ, NaNO2 और HCl के साथ में, तो अब ये होता है 273 केल्विन टू 278, मतलब टेम्परेचर जो अगर आप देखोगे तो काफी लो टेम्परेचर हमें लगता है। तो यहाँ पर भी देखोगे आप तो C6H5N2Cl, मतलब यहाँ पर भी देखो, यहाँ अल्काइल था, ये अराइल डाइजोनियम सॉल्ट बनता है जो कि ऑन हाइड्रोलिसिस, हम यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस हम नहीं करते हैं जनरली, हम यहाँ पर एक डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं और साथ में ही यहाँ पर भी हमें क्या, यहाँ पर हमें क्या बनता है, NaCl बनता है और H2O बनता है। इट मीन्स एरोमेटिक अमाइंस जो है ये हमारे कौन से है, यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर ये है हमारे एरोमेटिक अमाइंस, ये है हमारे पास एरोमेटिक अमाइंस। तो एरोमेटिक अमाइंस जो है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं वेरी लो टेम्परेचर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में रिएक्शन होती है। अब अगर आप बात करोगे तो प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन हो गया, सेकेंडरी और टर्शियरी जो अमाइंस होते हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट होते हैं, जिसका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया है। तो हम इतना याद रखेंगे कि नाइट्रस एसिड प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस के साथ में किस तरीके से रिएक्शन देता है और प्राइमरी या फिर हम कहेंगे एरोमेटिक अमाइंस के साथ में किस तरीके से रिएक्शन देता है। तो ये हुई हमारी फर्स्ट रिएक्शन। अभी हम देखने वाले हैं सेकंड रिएक्शन ऑफ अमाइंस, जिसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। अब देखो ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी, और हम कहेंगे डिटेक्ट प्रेजेंस ना बोलते हुए हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस के बीच में ये क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर हुआ, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप याद रखो कि इसमें जो इस रिएक्शन में ये जो है अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, अराइल की जगह बेंजीन यूज कर लेते हैं, वर्ड बेंजीन, फिर क्या आ जाएगा सल्फोनाइल, और फिर हो जाएगा ये क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेटा बेंजीन है इसलिए C6H5, सल्फोनाइल है इसीलिए SO2, और फिर आता है ये Cl, और इसे कहा जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट किसके लिए, टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। किस तरीके से होता है ये डिफरेंशिएट, चलो मैं आपको बताती हूँ, आपको याद रखना है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो अभी हम फर्स्ट सिचुएशन में आ जाते हैं जब हमारे पास में क्या रहेगा, प्राइमरी अमाइन रहेगा। तो प्राइमरी अमाइन के लिए मैं यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ C6H5SO2 को, मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखाती हूँ ताकि हमें रिएक्शन करने में थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। अब हमने प्राइमरी अमाइन में से NH2 में से हमने इस तरीके से NH लिख लिया है और ये हो जाएगा R लिख लो आप, सिंपली हम R ले लेंगे, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। अब जब इनकी रिएक्शन हो रही है बेटा तो आप देख सकते हो कि ये H जो है इसके साथ में रिएक्ट हो जाएगा और हमें जो यहाँ पर मिलेगा वो होगा C6H5, फिर यहाँ पर SO2 ऐसा ही रहेगा और ये बन जाएगा NH, और फिर होता है ये C2H5 और HCl बाहर निकल आता है, ठीक है। अब ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, दिस प्रोडक्ट इज सोल्यूबल इन
अल्कली, ये प्रोडक्ट क्या होता है, सोल्यूबल इन अल्कली बन जाता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट सोल्यूबल इन अल्कली बन जाता है। अगर आप इसको इसका अगर नाम भी लिखना चाहे ना बेटा तो ये हम कर सकते हैं। देखो एन पोजीशन पे कौन सा इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो मैंने यहाँ लिख दिया एन इथाइल, एन इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर बाद में ये क्या है, बेंजीनी है, तो हमने यहाँ पर पूरा नाम लिख लिया इसका, ये क्या है, बेंजीन है, साथ में सल्फोनाइल ग्रुप भी है, तो हमने बट ये क्या होता है एनएच ग्रुप आ जाएगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं सल्फोना माइड, अमाइड ग्रुप आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, सल्फोनामाइड। तो ये हो गया इसका नेम, बट इसको हम आइडेंटिफाई कर कैसे कर सकते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है हमारा, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, दिस प्रोडक्ट इज सोल्यूबल इन अल्कली। अब देखो अगर जब हम ये सिचुएशन सेकेंडरी जब हम ये सेकेंडरी अमाइन के साथ में करेंगे, तब देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, ये ऐसा ही है CLA, सेकेंडरी अमाइन ले लिया, मतलब यहाँ पर N है, यहाँ R है, और यहाँ पर भी R आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक H। अब देखो ये H फिर से इसके साथ में रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर हमें बनेगा C6H5 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर H5 होता है, C6H5, फिर आता है यहाँ पर ये S, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर हो जाएगा N, और अब यहाँ पर ये R है, और यहाँ पर भी ये R है। देखो यहाँ पर आप इथाइल की जगह, जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पर इथाइल ले लिया, C2H5 मतलब इथाइल, वही मैंने यहाँ पर बताया, या फिर आप RR भी लिख सकते हो, प्लस बन गया ये HCl। अब देखो बेटा हमें याद क्या रखना है, हमें ये याद रखना है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, दिस प्रोडक्ट इज इन सोल्यूबल इन अल्कली। पहला जो है सोल्यूबल इन अल्कली था, दूसरा जो है वो इनसोल्यूबल इन अल्कली है, मतलब अगर आप इसकी रिएक्शन प्राइमरी प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करवाते हो हिंसबर्ग रिएजेंट से, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि सोल्यूबल इन अल्कली रहेगा। अगर सेकेंडरी अमाइन है तो एक प्रोडक्ट बनेगा जो क्या रहेगा, इनसोल्यूबल इन अल्कली रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसी रिएजेंट की रिएक्शन अगर मैं टर्शियरी के साथ में करवाती हूँ, तो टर्शियरी में बेटा आपको पता है कि ये सभी क्या रहेगा, एच तो होता ही नहीं है, इसीलिए ये टर्शियरी जो है कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा। इट मींस हम इन केमिकल प्रॉपर्टीज में ये स्टडी कर सकते हैं कि जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है वो यूज किया जाता है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। तो इस तरीके से हम तीनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।